नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के धनोरा में वेव शुगर मिल के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि आधा दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने शराब फैक्ट्री निर्माण व मेन गेट बंद करने के विरोध में शुगर मिल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने शुगर मिल प्रबंधन पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। धरना प्रदर्शन में पुरुष व महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के आरोप हैं कि मिल से निकलने वाले गंदे पानी का कहीं पर भी कोई निकास नहीं है, जिसे रिबोर कराकर जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे गांव व आसपास के गांव का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जो गांव के लोग मिल में नौकरी करते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए मिल प्रशासन ने गांव के नजदीक गेट को बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर से घूम कर आना होता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने शराब फैक्ट्री निर्माण को रुकवाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपे हैं, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वे धरना प्रदर्शन स्थल से नहीं उठेंगे। वहीं धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर दिया है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमरनाथ अरुण। अमरनाथ जी, क्या मामला है जिसको लेकर ये ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मिल गेट के आगे? इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ जो है शराब फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। एक तो इनको गलत फहमी यह है कि शराब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ शराब फैक्ट्री नहीं लग रही है, यहाँ एथेनॉल प्लांट लग रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया है कि किसानों को समय से उनका भुगतान मिले और जो चीनी मिले घाटे में जा रही हैं वो घाटे में ना जाके इनका इनको प्रोत्साहन मिले और ये प्रोजेक्ट तैयार हो और इसमें पैसे की कमी ना आए, तो इसलिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और उसके लिए सारे नॉर्म फिट किए गए थे और गवर्नमेंट ने इसके लिए पब्लिक हेयरिंग भी करवाई थी, पब्लिक भी हेयरिंग हुई थी और पब्लिक हेयरिंग के बाद सारे नॉर्म फुलफिल किए गए और तब उसके बाद गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। और इसमें जो हम लोगों का एक सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट में ये है कि ना तो हम वाटर दोहन करेंगे और ना ही डिस्चार्ज करेंगे, जीरो डिस्चार्ज लेवल रहेगा, कोई उसमें से पानी ना ज़मीन से खींचेंगे ना ज़मीन को होगा, जो पानी गन्ने में है उसी पानी का हम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आशंका जो इन लोगों की है कि उससे पानी प्रदूषित होगा, ये बिल्कुल गलत है, कोई पानी प्रदूषित नहीं होगा। और दूसरा ये चूँकि सारे किसानों का मामला है, जो क्षेत्र के किसान हैं, अगर ये प्रोजेक्ट लगेगा तो उन किसानों को जो उनके गन्ना मूल का है वो समय से भुगतान होगा। और दूसरा ये है कि जो चीनी मिल में जैसे उसकी रिकवरी कम हो जाती है या गन्ना सूखने लगता है तो हम फैक्ट्री कम चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि पानी दूषित नहीं होगा जी, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि पानी शराब प्लांट लगने से पहले भी मिल की वजह से पानी दूषित हो चुका है, पानी काफ़ी दूषित हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। देखिए ये भी जो है नहीं है, चूँकि अभी हमने इन लोगों के प्रधान के कहने पर ही कम से कम 7 नल जो है वो 200 फीट पे लगाए थे और वो गवर्नमेंट्स के तरफ से हमने उन लोगों को बुला के जल निगम वालों को और उनको टेस्ट करवा के लगवाए। आपने 7 नल जो लगवाए कहाँ पर लगवाए? फैक्ट गाँव में पूरे में लगे हैं, अलग अलग। कौन से गाँव के? मलेशिया के में, ग्राम मलेशिया में जी। लेकिन ये समस्या तो खाली ग्राम मलेशिया की नहीं है, आसपास के आधा दर्जन गांव की है। देखिए, अगर आधा दर्जन की गांव है, जब हम अब तो एक नया हरित प्राण जो IGT है उन्होंने ये कर रखा है कि आप पानी जमीन में छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए पिछले 3 सालों से हमने ETP प्लांट लगा लिया है और ETP प्लांट से जो है हम सारा पानी जो भी है उसको ट्रीटेड करते हैं और वो ट्रीटेड वाटर को बाहर हमने एक लैगून बना रखा है जो कम से कम 5000 लीटर से भी ज़्यादा का होगा और वो ट्रीटेड वाटर उसमें डालते हैं और उस पानी को जो क्षेत्रीय किसान हैं वो अपने ज़मीन में भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर पहले कोई समस्या है तो उसकी तो बात नहीं कर सकते हैं,
लेकिन इधर उस समस्या को भी दूर कर दिया गया। अच्छा, इस शराब प्लांट जो लग रहा है इसके लिए आपने बताया कि पब्लिक हेयरिंग हुई है, पब्लिक से बात हुई है जी, लेकिन पब्लिक का कहना है कि हमें धोखे में बुलाया गया, हमें बताया नहीं गया कि शराब प्लांट लगा रहे हैं, शराब प्लांट अंधेरे में रखा गया। फिर भी आपको एक दफे फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये शराब प्लांट नहीं लग रहा है, ये एथेनॉल प्लांट है। एथेनॉल जो बनेगा वो पेट्रोल में मिलेगा, और इसमें बाकायदे ये कह रहे हैं कि धोखे से बुलाया गया, पंपलेट छपे थे, इसमें DM साहब भी आए थे, SP भी आए थे, उन लोगों के सबके सामने हेयरिंग हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि धोखे से बुला के किया गया। जब उसके पंपलेट लगे हैं, उसमें लगा है कि यहाँ एथेनॉल प्लांट लगेगा, इतने लीटर का लगेगा, और उसमें जो है ज़िले के इतने बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, और ये कहना कि हमसे धोखे से कर लिया गया। तो अभी आप जो अब क्या बात हुई आपकी ग्रामवासियों से, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और उसको ये कहा कि भाई अगर कोई ऐसी बात है, पानी की कोई समस्या आती है, तो जैसे 5-7 हैंडपैप लगाए हैं, तो 8-10 हैंडपैप और लगवा दिए जाएंगे अगर कोई ऐसी बात आती है। तो क्या समझते हैं आप, 8-10 हैंडपम्पों से ये आधा दर्जन गाँव की समस्या समझ? नहीं नहीं, आधा दर्जन से अभी तक और किसी गाँव की ने ये बात नहीं उठाई है, ना कोई किसी गाँव की अभी तक कंप्लेंट आई है, केवल मलेशिया ग्राम की ही कंप्लेंट आई है, और ये जो है वर्तमान प्रधान की, इससे पूर्व प्रधानों के में से इतने सालों से फैक्ट्री ये लगी है, और मेरी ख्याल में बहुत पहले से लगी है, तब से कोई ऐसी समस्या नहीं थी, अब ये बात उठ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर यादव है। कहाँ के निवासी? मलेशिया का ग्राम प्रधान। अच्छा, प्रधान जी क्या समस्या है जो आप धरना? समस्या बहुत बेतुकी है, जो कुछ सुनने वाला नहीं। इतने लोग हमारे गांव में कम से कम एक महीने में 3 आदमियों का एवरेज आता मरने का। क्या वजह रहती है उसकी? पानी की कमी से। हम मेरठ वगैरह जहां भी लोगों को ले गए, कैंसर हमारे गांव में कम से कम 25-30 लोग 2 साल में मर गए, और डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, कुछ दिन में तो ये पशुओं में हो जाएगा, तुम्हारी भैंस गायों में हो जाएंगे, ये तो तुम्हारे आदमी हैं, कुछ दिन में इतना वायरस फैल जाएगा, अगर आपने नहीं इसमें जल्दी भाग दौड़ करी तो हमें 5 साल कहते कहते हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। भाई उद्योगपति है, ये मुट्ठा भर का पैसा दे देते तो आगे लोग हमसे कहते पहाड़ से क्यों टकरा रहे भाई, ये तो पहाड़ खड़ा है, तो पहाड़ ने जो है पैसे बांट देता है भाई, किसी प्रधान को दे दे, किसी अधिकारी को दे दे, किसी को दे दे, किसी नेता को दे दे, तो भाई हमारे पास तो पैसे एप्लीकेशनों में ना, हमने तो सूर्य 10-20 हज़ार रुपये इसमें और लगाए, कैसे कैसे लगाए, ये तो हम अपनी समस्याओं को अपने आप जानते हैं, तो सुनने वाला तो इस दुनिया में कोई नहीं, तो हमें तो एक ही विकल्प बचा है कि बैठ के मरना, मरने के अलावा हमारा तो, हमें तो पानी पी पी के भी मरना। जब एक प्रधान की या एक जिलाध्यक्ष, प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष भी नहीं सुनी जाती जमीन पर या अधिकारी में, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? इनके साथ दलाली करे, चोरी करे, तो हमारी बढ़िया सुनते हैं। मिल प्रबंधन से आपकी मांगे क्या है? जो मिल प्रबंधन से हमारी मांगे हैं, ये दारू प्लांट नहीं लगना चाहिए, जो 2 प्लांट हमारे पहले लगे हुए हैं उनके पानी को शुद्ध करा जाए, उनसे हमें पानी ये बताए शुद्ध है कहाँ, कोई उसे आज तक पानी प्रदूषण विभाग वाला आज तक 1-2 बार आए मेरे पास, तो आकर खाली इनसे पैसे लेकर चले गए, उन्होंने आज तक ये नहीं देखा पानी है कहाँ, नीचे जा रहा, जमीन पर जा रहा, या पानी प्रदूषित है क्यों, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आता, आदमी उधड़े पड़े हैं सारे, तो इस जीवन से जीने से या पदों को लेने से, हमारे अधिकारों को लेने से हमें फायदा क्या है? अच्छा, कितना एरिया है, कितने गाँव ऐसे हैं? हमारे कम से कम 10 गाँव ऐसे आ रहे होंगे जहाँ ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए थी, जहाँ इतने सारे स्कूल, जहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं, सुनने वाला कोई जमीन पे नहीं है। आज हमें धरना प्रदर्शन करा है, तो आज अधिकारी भी आए, आज मिल प्रबंधक भी आए हैं, तो मिल रोकने को तो तैयार नहीं, हमें रोकने को तैयार है कि तुम उठ जाओ, हमारा कार्य नहीं रुकेगा। कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन यह है कि भाई ऊपर बात करेंगे हम, तुम उठ जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उठ जाओ बस, हम तो, हमें तो उठा देंगे, और उनसे नहीं कह रहे कि तुम काम रोको, उनका शासन से काम है, हमें ये पता नहीं शासन और प्रशासन है कौन, हमारा रखवाला शासन प्रशासन, हमारा झगड़ा शासन प्रशासन से, हमारा मील से नहीं है, हम बैठ के मरेंगे, हम शासन प्रशासन के जिम्मे होंगे। ये चल तो काफी दिनों से रही थी, पर पहले प्रधान कहीं दब जाते थे, कुछ अपना ठेका ले लिया, कुछ सामान ले लिया, तो वो अपना चुप हो जाते थे, उनके पक्ष में चले जाते थे, ये मेरे फेवर में कभी नहीं भाई, मुझे तो एक आदत है, जब मेरा गांव मर जाएगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई जी के, ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, मैं भी 10-20 लाख रुपए ले सकता हूँ। हमारी जनसंख्या करीबन लाखों के हिसाब में हो, जो इस पानी से पीड़ित है, अगर जाँच करवा लो, पड़ोस के सभी गाँव है, लाखों आदमी,
और कुछ दिन में जब ये शुगर ये जो प्लांट लग रहा जिस दिन ये लग गया तो आदमी जीवन जीने की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर फैक्ट्री मालिक रहेंगे, आदमी सब चले जाएंगे, गांव खाली हो जाएंगे, फिर इन अपना कितने उद्योग लगाते रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरचरण जी। हरचरण जी, क्या समस्या है? धरना प्रदर्शन मैं मसलेपुर का निवासी हूँ जी। मैंने जगह बनाई 2007 में। सिंह साहब, बलविंदर, गुरदयाल, ये तीनों प्राणी नहीं बताते हैं कि ये मकान मेरे बने हुए हैं, चार मकान मैं बरामदे गए। उन पर मुकदमा पड़ाया है हसनपुर में मुंशी में, 2 साल हो गए हैं। पीछे जेठ के महीना में इन्होंने मेरी 12 बीघी जमीन ही, उसमें गेहूँ खड़े पकी हुई फसल, उसमें ट्रैक्टर घुमा दिया, 10 बीघे गेहूँ जोत दी, 2-3 बीघे मक्का ही, 1 बीघे प्याज ही, वो ख़त्म कर दी सब। जब 150 रुपये किलो का रेट था प्याज का, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। और फिर उन्होंने, मैं गोली चलाऊँगा, गोली फैड़ मारी इन्होंने 20 लौंडा लेकर घर तक, घर से घर में खेत में अंतर होता बहुत। गोली बारी किसने करवाई? सिंह साहब ने। सिंह साहब कौन है? ये कौन है? जब मिल के, हाँ, मैनेजर जी। ए के सिंह। उसके बॉम सर, हाँ, और बॉम सर का नाम निक्की है, जो लौंडो को लेकर आया। उन्होंने 20 फैड़ मेरे पीछे घर तक मारी, फिर रात को 12 बजे आया के फिर मुझे धमकाया। तो क्या आपने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट करी थी जो आपके? हाँ, कंप्लेंट करी साहब, कुछ नहीं, उन्होंने हमें धमकाया खुद उल्टा। प्रशासन ने तो आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई करी, हमें आरोपी बनाया के, और 3-4 बेटा में, 4-5 के नाम की रिपोर्ट करके शांति भंग में हमने जमात कराई। एसडीएम ने भी हमें एसडीएम जमात नहीं दी। पुलिस ने कोई क्या कार्रवाई की आगे? कुछ भी नहीं, हम तो आरोपी खुद कर दिए। मतलब एक तो आपके ऊपर फायरिंग होती है और ऊपर से आप ही को आरोपी बनाया? हाँ, हमको आरोपी बनाया गया। किस जगह का? फसल हमारी जोती गई, सब कुछ हमारा गलम है। थाना आपका कौन सा? थाना बछराई हूँ, चौकी पड़ा यहाँ से ही पास में। ये जो धनौरा में जो ये धरना प्रदर्शन था, क्या मामला था? मिल क्या रहा है? नहीं, वो कुछ लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो इंडस्ट्री चल रही है उससे प्रदूषण हो रहा है। उनकी शिकायत के आधार पे उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के लोगों की एक टीम बना करके वहाँ जाँच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जाँच आके आने के तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.